जिनको मैं जब सुनती हूँ तो क्या कह रही हैं, मैं इतना इस पर ध्यान नहीं जाता, मैं सिर्फ उनकी भाषा सुनती हूँ और आपकी भाषा से मैं सीखती हूँ। आज आप लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन एक तरह से मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बुलाया मुझे कि थोड़े कुछ विचार हैं इस भाषा के संबंध में। सबसे पहले तो मुझे अपने पिताजी की याद आती है, क्योंकि जब गांधी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का जब सोचा तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को सुना, सोचा कि इनको सब जगह भेजा जाए और हिंदी का प्रचार किया जाए। तो मेरे पिताजी अपने जैसे दादा कभी अपनी बातें नहीं करते थे, बीती हुई बात पिताजी भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम मुझे भेजा गया चेन्नई मद्रास में, तो मुझे कहा गया, बापूजी ने कहा कि एक भाषा जो सिखाओगे तो एक भाषा सीख गया। और इसलिए जब उन्होंने हिंदी का प्रचार सभा वहाँ का जब शुरू किया तो तमिल सीखा। तमिल के घर में रहते थे, वहाँ तो बहुत आचार विचार नियमों का पालन होता था और पिताजी को जरा असुविधा भी हुई क्योंकि आश्रम के वातावरण से भिन्न था वो। और फिर पिताजी जब बताते थे कि किस तरह से उन्होंने तमिल सीखी, और एक तमिल सीखी और किया, वैसे ही उनको पिताजी को जब यहाँ जामिया मिलिया में जो शुरू में उन्होंने प्रोफेसर अंसारी थे, तब जब पिताजी वहाँ गए चरखा कातना और हिंदी सिखाने के लिए, तब उनका नियम था उर्दू सीख गया। इस तरह से वो एक तरीका था उस समय भाषा प्रचार का। आज अगर आप कहें कि भाषा का जबान का दुश्मन कौन है, एक जबान का दुश्मन दूसरी जबान नहीं है। आज जबान का दुश्मन या उस भाषा का भाषी होता है या कंप्यूटर, क्योंकि आज के जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो चाइनीज में भी कंप्यूटर सीख लेंगे, लेकिन चाइनीज भाषा नहीं आएगी, वो कंप्यूटर कहेंगे। सब लड़के कहेंगे मुझे कंप्यूटर सब आता है, लेकिन एक वाक्य लिखना उन लोगों के लिए कठिन है। हिंदी में कंप्यूटर तो आ जाएगा लेकिन लिखना मुश्किल है। तो भाषा का जो दुश्मन होगा वो एक कंप्यूटर है। दूसरी बात है, हम जो भाषा के भाषी हैं, एक चीज़ सुषमा जी मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कोई मौलिक चीज़ है, क्योंकि गांधी ने तो हर कुछ कह दिया है, इसलिए उनके सामने अब कुछ मौलिक कहने का अधिकार नहीं रहता। कि हर भाषा में बापू जी होते तो ज़रूर पूछती कि कोई भी दुनिया की भाषा हो, सबसे प्रिय भाषा मेरी भोजपुरी है और पंजाबी है सुनने में कानों के लिए, हरियाणवी भी है सुषमा जी, लेकिन कि हर भाषा में एक चीज़ होती है कि हमें जब गाली गलौज करना होता है तो हम जानवरों का पशुओं का नाम क्यों लेते हैं, जिनको हम खाते हैं, जिनको हम पहनते हैं, जिनको हम सेंस में लगाते हैं, जिनका हर प्रकार मनोरंजन के लिए उपयोग होता है, जब गाली गलौज होता है तो ये क्यों होता है। तो हिंदी भाषा से क्यों ना शुरू किया जाए कि यह हम विचार में यह लिखना लाए। हर किसी हमारे यहाँ जो साहित्य है उसमें भी हर दुनिया की हर भाषा में एक चीज़ तो साधारण है कि हम गाली गलौज के लिए लेते हैं। दूसरी बात, भाषा का मतलब है माँ। अगर मेरी माँ तमिल भाषी थी, पिताजी गुजराती भाषी थे, लेकिन हमने हिंदी ही सुनी आपस में, माँ बाप के बीच में हिंदी बोली जाती थी, लेकिन माँ मेरे से तमिल बोलती थी और हमारे पड़ोस में गुजराती थी। तो मैंने वहाँ स्कूल में उस जमाने में पूछा जाता था तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो मैंने माँ से कहा कि मैं क्या कहूँ मेरी क्या मातृभाषा है, तो उन्होंने कहा तुम हिंदी कहो क्योंकि हिंदी तुमने माँ से सीखी है। और जब बापूजी मुझे कई बार कहते थे तुमने अपनी माँ से भाषा सीखी कि नहीं, तुम ननिहाल जाती हो तो तुमने तमिल सीखी कि नहीं। तो कई भाषाओं के बीच में, जैसे आजकल जो मिलिट्री वाले हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, जो रेलवे में तो हमेशा थे, वो लोग सब भाषाएं तो सब सीखते हैं उनके यहाँ, वो पहले जमाने से चली थी। लेकिन गांधी पद्धति में एक थी कि कस्तूरबा भी, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कुछ ये कर रहा है, सबके बीच में